वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो तीन बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है पांच साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे, हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम ता जिंदगी इस पार्टी में काम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं, आप चार तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालौर में चलने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राजस्थान में कैसी। पहले तो आपको जालौर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए, वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा है, ये गद्दार है, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो पांच साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम जिस हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सींचा है, हमने किसी पार्टी आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई दो रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने बाद काम किया है तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है, उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया, इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि ये आप गए छोड़ के गए और वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे, इस पार्टी में आप और आलाकमान दो ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आलाकमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आलाकमान ने जो यहाँ पे यहां मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आलाकमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।